आज तक लड़ागा बात माननी पड़ेगी। गांव की लड़ाई है, गांव ने यह अल्टीमेटम दिया था भाई, पास भी दिया निर्णय ले। अगर गांव की लड़ाई है तो गांव निर्णय कर लिया, हम गांव का गला हम गांव इस गांव अगर गांव कोई निर्णय लेते हैं हम गांव के साथ है। पूरा रेल खाली करके और चली आते भाई, सभी साथियों से प्रार्थना है यहाँ आकर अभी कमेटी का फैसला सुन लो, कमेटी का फैसला सुन लो, राज्य रोड बनाओ कमेटी आगे बढ़ो। भाई सारे साथियों से प्रार्थना है यहाँ आ जाओ, कमेटी का फैसला सुन लो, भाई मानना है सबका दर्द है पीड़ा है, लेकिन कुछ अपना डिसिप्लिन जो है भाई हेलो सभी साथियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि रोड के ऊपर कोई नहीं होगा, रोड को खाली कर दे, जब तक कमेटी कोई फैसला ना ले तब तक रोड के ऊपर ना जाए। आप सबसे हाथ जोड़कर बार बार प्रार्थना है कि रोड को खाली करें। सभी आपसे हाथ जोड़कर आपसे बार बार विनती करते हैं, जब तक कमेटी का कोई भी फैसला ना हो आप रोड पर जाने की कृपा ना करें। अनुशासन को बनाए रखें, अनुशासन बनाना बहुत जरूरी है, गलत काम किसी को आज्ञा नहीं देता। जब तक हम सारे समूह से इकट्ठा होकर कोई फैसला ना ले, कमेटी कोई फैसला ना ले, आप गलत काम ना करें। धन्यवाद। हेलो, मैं सभी नौजवानों से मेरी प्रार्थना है, जो ये कमेटी का ली थी कम से कम दूर तो आ दिन जो है दुख तकलीफ में कौन आ रहे, तुम्हें हंसीकरण आ रहे हो, कोई तरीका है यू सोचते रहे यार। जिसका बच्चा दायर है उसका नहीं देखो, जिसका पति दायर है उसका नहीं देखो, भाई मेरी बात सुनो, अगर उन्हें कोई नुकसान करवाना रहे तो नुकसान अपना उन्हें कर दिया, अगर अपने कोई नुकसान करवाने की बात है अपने सिर पे करो करना है, फिर या तो कमेटी ना भेजी होंगी, अगर कमेटी भेजी है कोई भी निर्णय करेगी कमेटी, अगर मान दो बात बैठाएगा बताओ, अगर नहीं अपना दम पकड़ ले जो कुछ करना है, ये कोई बात थोड़ी है। अब बिना पहिया ही बात लग रहे हो, किसे चीज में बरात जब चढ़े गए थे बन रहे हो, बिना बनड़ा की बरात नहीं होगी करती, किसे चीज का आली पारी हो गए बगैर आले पारी का कोई चीज सिरे नहीं चढ़े करती, अगर अपने मुट्ठी में लेकर आप बढ़ते जी खोल दो किसी बात में, ठीक है सर होगा, बिना तरीके की बात नहीं कोई भी होगी। अब कमेटी आई भी नहीं, पहले रोड पर चले गए क्यों, फिर कमेटी की क्या जरूरत थी, चले जाते आपके लिए। अगर तेरी पर्सनल लड़ाई है लड़ी इसने, अगर समाज की लड़ाई है तो समाज ढंग से लड़ागा वह बात माननी पड़ेगी। गांव की लड़ाई है, गांव ने यह अल्टीमेटम दिया था भाई, पास भी दिया निर्णय ले, अगर गांव की लड़ाई है तो गांव निर्णय कर लिया, हम गांव का गला हम गांव के साथ, जो कमेटी में बैठ के जा रहे थे दोबारा गांव निर्णय कर लिया, हम गांव के साथ है। हेलो नमस्कार भाई, पंचायत ने एक मिनट दे दो जी, पंचायत ने 20 आदमी अलग अलग गांव के चुने, भरोसा करके अगले गए माम है, अरे इब तो हमारे गिल्ला हो रहा नहीं, अगर गांव की बात है नहीं तो भाई माम जो कमेटी में नाम लिए थे इस कमेटी तो दूर, लेकिन गांव का गिल्ला, लेकिन अगली बात बताऊं भैयो, जो ये आदमी है नहीं फैसला नहीं होने देंगे, उन्हें केस भी करवाएंगे, लस भी बजवाएंगे, मैं खुद जेल में रह लिए भाई, किसान आंदोलन पर दो बारी जेल कर ली, डरते को नहीं तो को तो जो तेरे गिल्ला इस गांव, अगर गांव कोई निर्णय लेते हैं हम गांव के साथ है। अरे भाई राम के सुंदर राम राम सारा राम गुआंड सारा लगा सारा डिस्ट्रिक्ट सारी खाप गल्ला है, कोई युवा ऐसा भी हूँ एक तो आदमी माइनस का रो रहा भाई, बच्चा मारो भी मरे तेरा गल्ला नहीं मर रहा, आप कमाल कर रहे तो तमाशा बना रहे इस चीज की, फिर जा पड़ा अगर अंदर अगर अंदर ही वहां पड़ा
हुई थी उस टाइम तुमने फैसला लिया था भाई इस कमेटी के ऊपर टिकोगे कि ना टिकोगे। तो कमेटी के निर्णय तो पहले आप यू किसान व्यवहार करो भाई। हेलो भाई रुकिए भाई अब भाई फिर एक हाथ जोड़ का प्रार्थना कर आप इस नौजवान साथी के मरने का दुख दर्द है तो फिर तो जाओ बैठ भाई। अगर इसको न्याय दिलवाना है तो और नहीं जाऊ रहा सुख के नंबर बना खतर लाओ हमेशा गला फा खेल गला सारे जू भैम हो दर्द न दर्द अपना जो भी अपना फैसला लेगा ये समझो समाज का नुकसान करेगा। अब बुजुर्ग का नौजवान साथियों जो कमेटी ने जो भी बात करी है वो आप लोगों के सामने है वो रख देंगे और मैं आपके एक चीज की और है जो कमेटी बनाई है कमेटी वाले पीछे लिए टंगे बिल्कुल भी अगर आप भी आप पर कोई शक है दे सकते आप इसको रिजेक्ट करके और बना लो कोई और बाकी ने जो बात माननी पड़ेगी लो मेरा भतीजा मर रहा है जो काम किया कमेटी फैसला करेगी वो मम ने मान्य है चाहू तीनों का जब बरी करेगी मम ने मान्य बाकी कोई मामे किसो की वाली काम पर इस कमेटी पे छोड़ रखी है कोई बात गिदड़ियां कर रही है तो एक कमेटी फैसला करेगी मम ने मंजूर है।